स्टूडेंट्स ग्रेड वन सब्जेक्ट हिंदी। आगे की वीडियो में हमने थ का मुहावरा किया था। थ से क्या होता है? थर्मास। आज हम नया वर्ण पढ़ेंगे, वो है द। कौन सा वर्ण पढ़ना है आपको? द सीखना है ना? तो शुरुआत करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने द बिंदुओं से लिखा है, तो बिंदु मिलाएंगे ना, तो हम बिंदु मिलाते हैं। स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन करनी है और कर्व बनाना है, फिर कर्व बना के छोटा सा सर्कल और स्लाइडिंग लाइन बनानी है और स्लीपिंग लाइन। तो क्या बन गया? दो। क्या बन गया? दो। द से क्या होता है? दरवाजा। द से क्या होता है? दरवाजा। गुजराती मायने शू कहवाय छे? बारणू। शू कहवाय छे? बारणू। अब आगे देखते हैं। आगे है द ढूंढकर उस पर गोल बना। यहाँ हमें बहुत सारे वर्ण लिखे हुए हैं। वर्ण में जहाँ भी द है उस पर हमें क्या बनाना है? गोल बनाना है। तो शुरुआत करते हैं, पहला वर्ण ही द है तो हम गोल बनाएंगे। य पर हम गोल नहीं बनाएंगे। फिर है त पर भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि सूचना में किस वर्ण पर गोल बनाना है? द। आगे है द, हम गोल बनाएंगे। ग, ग पर हम गोल नहीं बनाएंगे। व पर भी नहीं बनाएंगे। द, द पर हम गोल बनाएंगे। छ पर नहीं बनाएंगे। च पर भी नहीं बनाएंगे। आगे का वर्ण कौन सा है? द है, हम गोल बनाएंगे। क पर हम गोल नहीं बनाएंगे। ल पर भी नहीं बनाएंगे। आगे है द, द पर हम गोल बनाएंगे। और लास्ट वर्ण कौन सा है? ग, तो हम गोल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों? द ढूंढकर उस पर क्या बनाया? गोल बनाया। आगे देखते हैं, आगे क्या है? पढ़ो और लिखो। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम द का मुहावरा करेंगे। मैंने यहाँ द बिंदुओं से लिखा हुआ है, तो पहले बिंदुओं से सीखेंगे फिर अपने आप करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले बनाएंगे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, फिर सर्कल बना के स्लाइडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। तो क्या बन गया? द। द से दरवाजा। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, फिर सर्कल बना के स्लाइडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो क्या बना? द से दरवाजा। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, सर्कल बना के स्लाइडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। क्या बना? द से दरवाजा। आगे देखते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, फिर सर्कल बना के स्लाइडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। तो क्या बन गया? द से दरवाजा। आगे अपने आप करते हैं, अपने आप कैसे लिखना है वो सीखेंगे ना। तो सीखते हैं, पहले हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व बनाना है और सर्कल बना के क्या बनाएंगे? स्लाइडिंग लाइन कर देंगे, फिर स्लीपिंग लाइन। तो बन गया द, द से दरवाजा। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व बना के, सर्कल बना के स्लाइडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। बन गया द, द से दरवाजा। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व,
स्लैंटिंग लाइन स्लीपिंग लाइन तो क्या बना जैसे दरवाजा स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन कर्व फिर सर्कल बना के स्लैंटिंग लाइन स्लीपिंग लाइन तो बन गया था जैसे दरवाजा और अपने आप लिखते हैं अपने आप में स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन कर्व सर्कल बना के स्लैंटिंग लाइन स्लीपिंग लाइन तो क्या बन गया जैसे दरवाजा स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन कर्व स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन तो बन गया डॉग जैसे दरवाजा स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन कर्व बना के सर्कल बनाएंगे फिर स्लैंटिंग लाइन स्लीपिंग लाइन तो क्या बना जैसे दरवाजा आगे देखते हैं स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन कर्व सर्कल स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन तो क्या बना जैसे दरवाजा तो यहाँ पे बच्चों हमने जैसे दरवाजा का मुहावरा किया आगे देखते हैं द के नीचे रेखा खींचो मैंने यहाँ शब्द लिखे हुए हैं शब्द में क्या करना है द जहाँ भी है शब्द में वहाँ रेखा खींचनी है तो शुरुआत करते हैं पहला शब्द है बादल बादल में द कहाँ पे है बीच में है तो हम रेखा खींचेंगे अदरक अदरक में द दूसरा है तो हम इसके नीचे हम रेखा खींचेंगे दर्जी दर्जी में द कहाँ पे है पहला ही है तो हम रेखा खींचेंगे दरी दरी में भी द पहला ही है तो हम रेखा खींचेंगे दरगाह दरगाह में पहला ही द है तो हम रेखा खींचेंगे आगे का शब्द है गेंद गेंद में द लास्ट में है तो हम रेखा खींचेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमने द के नीचे रेखा खींची और आगे आगे है द से अलग वर्ण पर क्रॉस करो यहाँ पे मैंने वर्ण लिखे हुए और जो द से अलग है उस पर हमें क्या करना है क्रॉस करना है तो शुरुआत करते हैं पहला वर्ण है टॉप तो हम उस पर क्या बनाएंगे क्रॉस बनाएंगे फिर है द तो हम क्रॉस नहीं बनाएंगे क्योंकि सूचना में क्या है जो द से अलग वर्ण है उस पर ही हमें क्रॉस करना है फिर है र तो र पर हम क्रॉस बनाएंगे स स पर भी बनाएंगे द द पर हम क्रॉस नहीं बनाएंगे फिर आगे भी द है तो हम नहीं बनाएंगे द द पर हम क्रॉस बनाएंगे ठ तो ठ पर हम क्रॉस बनाएंगे द द पर हम नहीं बनाएंगे फिर आगे है ढ तो ढ पर हम बनाएंगे व पर भी बनाएंगे द द पर हम क्रॉस नहीं बनाएंगे फ फ पर हम क्रॉस बनाएंगे ब ब पर भी बनाएंगे आगे का वर्ण है द तो द पर हम क्रॉस नहीं बनाएंगे तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने जो द से अलग वर्ण था उस पर क्रॉस बनाया आगे देखते हैं पढ़ो और लिखो पढ़ो और लिखो में शब्द लिखे हुए पहला शब्द है दर्पण दूसरा है दर्जी फिर है दवात और दरी ओके तो यहाँ बिंदुओं से लिखा है द और तीसरी लाइन में जो द लिखना है वो अपने आप लिखना है तो शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे पहला शब्द है दर्पण यहाँ पे द दर्ज से जोड़ेंगे स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन कर्व फिर सर्कल बना के स्लैंटिंग लाइन स्लीपिंग लाइन तो क्या बना शब्द दर्पण आगे भी अपने आप लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन कर्व बना के सर्कल बनाएंगे फिर स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन तो बन गया शब्द दर्पण आगे का
शब्द देखते हैं। आगे का शब्द है दर्जी। दर्जी ने भी दो डॉट से हम जोड़ेंगे। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, फिर सर्कल बना के स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो शब्द बन जाएगा दर्जी। यहाँ पे तो अपने आप लिखते हैं स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, फिर सर्कल बना के स्लाइपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो शब्द बनेगा दर्जी। आगे का शब्द देखते हैं दवात। दवात में दो बिंदु बसे हैं, तो हम जोड़ेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, फिर सर्कल बना के स्लाइपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, शब्द बनेगा दवात। यहाँ भी अपने आप लिखते हैं स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, फिर सर्कल बना के स्लाइपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, शब्द बनेगा दवात। आगे का शब्द है दरी। दरी में भी दो बिंदु बसते हैं, तो जुड़ेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, फिर सर्कल बना के स्लाइपिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, शब्द बन जाएगा दरी। यहाँ अपने आप लिखते हैं स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, सर्कल और स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, शब्द बन जाएगा दरी। तो यहाँ पे बच्चों हमने पढ़ो और लिखो में शब्द थे, शब्द में दूसरी लाइन में डॉट से था, फिर अपने आप करना था। ओके, आगे देखते हैं। शब्द में से डॉट ढूंढ कर उस पर गोल बना। शब्द यहाँ पे दिए गए हैं और शब्द में दो है, उस पर क्या बनाना है, गोल बनाना है। तो देखते हैं, पहला शब्द है दखल। दखल में दो कहाँ पे है, पहला ही है। ओके, तो हम क्या बनाएंगे, गोल बनाएंगे। पदम, पदम में दो कहाँ पे है, दूसरा ही है, तो हम गोल बनाएंगे। अदरक, अदरक में भी दो कहाँ पे है, दूसरा, तो हम गोल बनाएंगे। दरबार, दरबार में भी दो कहाँ पे है, पहला ही, तो हम गोल बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने शब्द में से दो ढूंढकर क्या बनाया, गोल बनाया। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमने दो कंप्लीट किया। जैसे क्या होता है, दरवाजा, जो आपको भी आपकी वर्डबुक में करना है।